मुंगेर के कासिम बाजार में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में हुई गोलीबारी। पुलिस ने गोलीबारी कर रहे बदमाशों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 खोखा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर पुलिस एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में हो रही गोलीबारी के दौरान ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर धर दबोचा। इस संदर्भ में मुंगेर SP ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिस पर ASP हरिशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर इलाके पर छापेमारी करवाई गई, तो गोलीबारी करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 315 बोर का 7 जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद किया गया है। SP ने पत्रकारों को बताया कि इन लोगों से पूछताछ के क्रम में पता चला है कि अभियुक्त सिंकू यादव और श्रवण यादव का नीलेश यादव और आनंद यादव से जमीनी विवाद चल रहा है। विवादित जमीन पर बने मकान को लेकर पहले तो दो गुटों में खूब मारपीट हुई, फिर बाद में दोनों ओर से गोलियां चलानी शुरू हो गई। दोनों पक्षों द्वारा लगभग 15 राउंड फायरिंग हुई है। इस मामले में थाना अध्यक्ष के बयान पर दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें SP ने जल्द से जल्द इन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रात्रि में एक सूचना आई कि हसनगंज मोहल्ला, जो कि कासिम बाजार थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पर दो गुटों में मारपीट के बाद फायरिंग शुरू हो गई है। त्वरित टीम का गठन किया गया और ASP सदर के नेतृत्व में कासिम बाजार तथा सफिया सराय थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई। वहाँ पर 25 से 30 की संख्या थी। 4 लोगों को इमीडिएटली गिरफ्तार किया गया, सिंकू और श्रवण यादव और नीलेश और आनंद यादव, जो वहीं के रहने वाले हैं। देसी कट्टा, 7 राउंड 315 बोर की गोली और 4 खोखा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि वहाँ पे सिंकू और श्रवण तथा आनंद और नीलेश, इन लोगों के बीच में ज़मीनी विवाद वहाँ से चला आ रहा है। तो इस काफ़ी रात्रि में और बारिश के समय में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक घटना भी जो है हो सकती थी उसको भी बचाया और एक अच्छा जो है हम लोग को रिकवरी भी हासिल हुई। कुछ अपराधी, कुछ लोग हैं वो एक पूर्व का क्रिमिनल है, उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इन लोग के बीच में अक्सर ही जो है ज़मीनी विवाद के लिए वहाँ मारपीट होती रहती है, तो विधि व्यवस्था वहाँ पर अक्सर ही बिगड़ने की संभावना रहती है और दोनों पक्षों के ऊपर जो है FIR की कार्रवाई की गई है और 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।